मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। पुण्य और पाप पर बहुत जो भरोसा करते हैं, पुण्य तत्व और पाप तत्व पर जिन्हें बहुत भरोसा है, उन लोगों के लिए जरा अपनी दृष्टि को और अधिक भक्तिपूर्ण तात्विक बनाने के लिए ये भक्ति है। तुम पुण्य और पाप का ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। न जीवन में पाप का उदय तुम्हारे हाथ में है, न पुण्य का उदय तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारे हाथ में प्रार्थना है और उस प्रार्थना के हाथ में परमात्मा है। प्रार्थना के हाथ में परमात्मा छुपा हुआ है। श्रीमद् ने तो एक वचनामृत में कहा ना, 201 हम कई बार लेते थे, उसके अंदर ऊपर ही लिखा है टाइटल में, सर्वथा निर्विकार होने पर भी परब्रह्म परामयी प्रेम भक्ति के अधीन है। परब्रह्म यानी परमात्मा परामयी प्रेम भक्ति के अधीन है। और वो परामयी भक्ति क्या, ये तुम समझ रहे हो नारद भक्ति सूत्र में, और उसके अधीन तुम्हें कैसा होना है ये तुम समझ रहे हो। लास्ट वीक ही मेरे पास मेल आई, लास्ट वीक ही एक ईमेल आई मेरे पास, उसमें लिखा था, बेन प्रभु अष्टावक्र गीता के आपके सत्संगों को हमने देखा और इतना बोध पाया, इतना बोध, क्योंकि कहीं उन्होंने शायद अष्टावक्र गीता पहले पढ़ रखी थी, किसी का इंटरप्रिटेशन होगा, उन्होंने पढ़ रखा था लेकिन कहते हैं कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब आपके सत्संग सुने, 32 सत्संग पूरे पूरे देखे, और वो आपका वचन, आपकी मुद्रा, आपके साथ दो दो घंटे रहना, आपके डेमोज, वो सब देखा, उसके बाद लगा कि ओहो अद्भुत, अब जाकर हम समझ पाए जिसे हमने सालों से किताबों में पढ़ा था। अच्छा लगा पढ़कर, लेकिन नेक्स्ट आगे सुनो नेक्स्ट पैराग्राफ में शिकायत लिखी थी। ऐसे भी आती है मेरे पास, सारी पहले पैराग्राफ से भी शिकायत आती है, ये तो फिर भी अच्छे हैं कि पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छा अच्छा लिखा। सेकंड पैराग्राफ में शिकायत थी, बेन प्रभु अष्टावक्र गीता के 32 सत्संग देखने के बाद आप ही की वेबसाइट को मैं सर्व कर रही थी, उस लेडी ने लिखा, फिर मुझे पता चला आपने पैरेलल कोई उत्तराध्यन सूत्र के भी सत्संग दिए हैं। हालांकि मैं बहुत बार बोलती भी हूँ अष्टावक्र गीता के सत्संगों में भी कि पैरेलल अभी उत्तराध्यन सूत्र चल रहा है, तो काफ़ी टाइम 32 सत्संगों के बाद पता चला कि उत्तराध्यन सूत्र के भी कोई सत्संग है, और श्री उत्तराध्यन सूत्र के सत्संगों को देखने के बाद, अभी तक जितने हुए उन्होंने सारे देख लिए हैं, सारे देखने के बाद अब लगा अद्भुत है ये, तो इससे अद्भुत तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बेन प्रभु शिकायत ये है कि इन दोनों विषयों को अलग अलग क्यों रखा है, एक फ्राइडे, और उनको मेरी बात से पता भी चला होगा कि सारे लोग जो संडे के सत्संग में आते हैं वो फ्राइडे नहीं आते, जो फ्राइडे आते हैं वो संडे ज़रूर आते हैं, लेकिन जितने संडे आते हैं उतने फ्राइडे नहीं आते, उतना उन्होंने सत्संगों की भीड़ से भी समझ लिया। तो बेन प्रभु इन दोनों विषयों को अलग क्यों रखा है, क्योंकि जो लोग संडे नहीं आते, जो लोग फ्राइडे नहीं आते संडे आते हैं, उन्हें इस महत ज्ञान का प्रकाश कैसे मिलेगा। रिप्लाई में उनको इतना ही लिखा, क्योंकि वो अपने लिए ही कह रहे थे, कहते 32 सत्संगों तक आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और उत्तराध्यन के चौथे पांचवें सत्संग से तो मैं एकदम पाताल लोक के अंदर चली गई कि मेरे जैसा अधमा अधम कोई नहीं है, क्योंकि आपने जो चित्त को समझाया, मेरा चित्त तो पूरा काला का काला ऐसा ही भरा पड़ा है। लेकिन बेन प्रभु आपने दोनों विषयों को अलग क्यों रखा, आप एक सत्संग कर देते लो तो 10:30 से कितने तक चलता फिर वो सत्संग, क्योंकि अपना नियम है, मैंने इनको बोला 10:30 से सत्संग ना 1 बजे तक ही चलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के साथ एक होना है ना अपने को, इसलिए एक ये सब ऐसा ही है, ऐसा ही 2 बजे तक चलाएंगे सत्संग तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 2 बजे तक नहीं, कोई कोई सत्संग केवल 2 बजे तक चलाने की छूट, बाकी 1:15 यानी 1 के डायल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको मैंने कहा कि ऐसा है ना, मैंने दोनों विषय को जानबूझ के अलग रखा है। उनको बड़ा दुख हो रहा था उन प्रभु को,
कहीं अब्रॉड से हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा था कि लोग रह जाएंगे खाली अष्टावक्र यानी संडे के सत्संग. अब वो नारद भक्ति सूत्र भी देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है खाली संडे के सत्संग में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उत्तराध्यन सूत्र हर बात को पूरे पूरे दृष्टिकोण से हमें अपने भीतर क्या करना है ना इसको उजागर कर रहा है. अलग क्यों रखा? उनको जवाब में केवल इतना ही दिया कि प्रभु ये प्रयोजन भूत है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कि सद्गुरु का सत्पुरुष का कोई भी कार्य अप्रयोजन भूत विदाउट एनी पर्पस नहीं होना चाहिए. तो मेरा कोई भी कार्य अगर हो रहा है उसे कुछ भी प्रयोजन तो ज़रूर दूंगी, और मैंने प्रयोजन ये रखा है कि ये दोनों विषय इसलिए अलग रखे हैं कि जिसे विषय में रस है ना वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा, जिसे मुझ में रस है ना वो परमात्मा तक पहुँचेगा. यहाँ पर वही लोग आते हैं जो मुझ में भी इंटरेस्टेड है, जिन्हें मेरी ऐसे फालतू से मजाके भी ना बहुत अच्छी लगती है, उन्हें तालियां बजाने का मन करता है, और जिसे मुझ में रस है, मतलब जो न जैन है न हिंदू है, जो परमात्मा होने के मार्ग पर चला है. मैं देखती हूँ यहाँ इस सभा में ये हिंदू लोग भी काफ़ी बैठे हैं, मैं देखती हूँ सभा में नॉन जैन लोग भी काफ़ी होते हैं, और उस सभा में जहाँ हिंदू शास्त्र चल रहे हैं वहाँ जैन लोग, जैन के गूढ़ संप्रदायवादी लोग वो भी वहाँ आते हैं. कितने लोग आते हैं? इसलिए जिसे विषय में रस है ना उसमें मुझे रस नहीं है, और जिसे मुझ में रस है ना मुझे उसमें पूरा पूरा रस है और परमात्मा का पूरा पूरा मार्ग. इसलिए दोनों अलग रखे हैं मैंने. सद्भाग्य होगा उसका जो आज का ये सत्संग और इतना पाठ सुन लेगा, नहीं तो तुम है ना इसकी छोटी वीडियो बना के डाल देना, इतना कर लेना, नहीं तो उसका सद्भाग्य होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. जैसे एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं ना, दोनों पहलू एक दूसरे के पूरक है. तुम कहो हेड्स बचा लो टेल्स हटा दो तो सिक्के की वैल्यू कितनी रही, तुम कहो संडे का सत्संग बचा लो फ्राइडे छोड़ दो तुम्हारे सत्संगों की फिर भी वैल्यू है. ये अध्यात्म का मार्ग है, यहाँ तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, इसलिए वैल्यू है. लेकिन जो पूरा रस है, पूरी स्पष्टता है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ही मैं दूंगी. मैं कुछ पढ़ती भी हूँ ना अच्छा तो मैं वहाँ लिख देती हूँ फ्राइडे संडे, जानबूझ के मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों, और कई बार तो स्टोरी का आधा पहलू फ्राइडे और आधा संडे. जिसे मुझ में रस होगा ना उसे पूरी कहानी मिलेगी, जिसे विषयों में रस है अष्टावक्र गीता ढूंढ रहा है, नारद भक्ति सूत्र ढूंढ रहा है, या अब आगे जाके भगवत गीता आनी होगी तो उसका वो जो विषय को क्लिक करेगा ना वो मुझसे दूर रहेगा. और जिसने SRM पे क्लिक किया, मतलब पूरी वेबसाइट के थ्रू जा रहा है, उसको तो फिर पूरा का पूरा टोकरा देना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है. बात चल रही है श्री उत्तराध्यन सूत्र तीसरे अध्ययन की. टोटल कितने अध्ययन हैं? 36 अध्ययन. ऐसी शिकायतों भरी ईमेल आती हैं, लेकिन आपको भी आंसर मिल जाते होंगे इससे कि तुम्हें कहाँ रस रखना है, दोनों में फ्राइडे और हाँ कौन बोला आप में, हाँ ये ठीक है समझ, दोनों में मतलब अगर मैं तीसरा सत्संग चालू करूँ तो हाँ दोनों. एक ऐसा आंसर दो जो कभी भी स्खलित ना हो, जो आंसर कभी भी कोई गलत ना कह सके. इसलिए ऐसा अनैनिमस आंसर बोलते हैं, यूनैनिमस आंसर ऐसा होना चाहिए. बात चल रही है अभी उत्तराध्यन सूत्र की, और आज भावना है, नीचे कोई पार्टी नहीं चल रही, तो हम लोग भी राजक्रिया को स्वराज क्रिया को करने की कोशिश करेंगे. पहले क्रिया कर लें, हाँ ऐसे ही रखते हैं, पहले क्रिया कर लेते हैं उसके बाद सत्संग की तरफ चलते हैं. कि पहले सत्संग करना है तुम्हें, वो सत्संग लंबा लंबा चलता है, तुम लोग ना फिर समझते नहीं हो बीच में तो रह जाता है, तो हम लोग क्रिया कर लेते हैं पहले. लाइट्स वगैरह थोड़ी कम कर दो. क्रिया के बाबत में मैं जानती हूँ आप लोगों के काफ़ी प्रश्न होंगे, लेकिन मेरा वादा है तुम लोगों से दिसंबर शिविर तक तुम्हारे सारे प्रश्न, और उसमें भी दिसंबर शिविर को अटेंड कर लोगे फिर प्रश्न बिल्कुल नहीं रहेंगे, तुम अनुभव से ही आगे बढ़ोगे. ऑब्वियस है, तुम सीरियल भी पहली पहली बार देखते हो तो तुम्हें पहले सीरियल में सब समझ में आ जाता है क्या? 2-3-4 बार तो पता ही नहीं चलता कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी माँ है, कितनी कन्फ्यूजन होती है. तो ये स्वराज क्रिया जैसी अज्ञात क्रिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें पहली बार में पूरी क्रिया समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी. तुम शब्दों को पकड़ो. बाकी अभी 4 महीने सीरियल चलेगा, और 4 महीने के एंड तक, यानी जब वो मेगा सीरियल शुरू होगा हमारा, तब उसके अंदर और भी क्लैरिटी, क्योंकि जितना प्रयोग होगा उतनी तुम्हें अपने आप क्लैरिटी मिलती जाएगी.
तुम शब्दों से परिचित हो? यहाँ पर जितने भी थे वो COM में थे, हाथ खड़ा कर दो ताकि मुझे पता है। ऑलमोस्ट सभी है, थोड़े बहुत छोड़कर, ठीक है। जो थोड़े बहुत नहीं थे COM के अंदर, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। आ जाओ आ जाओ। नहीं, थोड़ी और कम कर दो, दो फॉग लैंप से चालू रखो, बाकी सब बंद कर दो। अभी कोई भी आए ना तो बस वो वहीं बैठ जाए, लेकिन कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? पार्थ प्रभु तुम लोगे, तुम म्यूजिक ऑन करके देखते रहना, वहीं बैठ जाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आपको सारे शब्दों से परिचय है कि नहीं है? लो, हो रहा है अभी काफी ज्यादा। इसमें तो सबको आंख बंद करके प्रकाश दिखेगा और फिर सारे कल्पनाओं में लगोगे। देखो, अरेंज करो फटाफट। जब तक तुम लोग अरेंज करते हो तब तक मैं तुमसे बात कर लूँ। पहला चक्र कौन सा नीचे से शुरू करना है? मूलाधार, क्योंकि मैं नंबर वन नंबर टू ऐसे करके ही बोलूँगी आगे आगे जाके। अभी तो मैं पूरा नाम लूँगी। वन कौन सा? मूलाधार। उसको महसूस करने के लिए नीचे से संकुचन। दूसरा स्वाधिष्ठान, नाभि से दो उंगल नीचे लेकिन रीढ़ की हड्डी में। तीसरा मणिपुर, नाभि से दो उंगल ऊपर लेकिन इन दोनों चक्रों को, इनफैक्ट इन नीचे के तीनों चक्रों को अनुभव करने के लिए अगर तुम संकुचन करते हो, क्या बोलते क्या उसको हम, मूलबंध, अगर तुम मूलबंध करते हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से अनुभव में आएगा। पर मूलबंध नहीं होता तो भी तुम लोग इसको कर सकते हो, अभी कोई आपत्ति नहीं है इसमें। उसके बाद चौथा कौन सा? ठीक है, अनाहत यानी हृदय केंद्र, इसके एकदम पीछे। पांचवा हड्डी का स्थान, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा एक्चुअली शुरू होता है, पहली तुम्हारी हड्डी। उसके बाद आएगा ऊपर मज्जा, मेरु मज्जा, तुम्हें बिल्कुल पता चल गई है। अब तो रोज़ सुबह उठ के यूँ कर लिया करो थोड़ा, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये मज्जा तुम्हारी यहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये यहाँ पर। उसके बाद छठा आज्ञा चक्र, यहाँ, ये पीछे नहीं, इसके लिए पीछे कोई जगह नहीं है। और सातवां सहस्त्रार, तुम्हारे शरीर का सबसे ऊपर का स्थान। 15 या 20 मिनट में हम लोग क्रिया पहले करेंगे, उत्तराधीन सूत्र का सत्संग बाद में लेते हैं। सीधे बैठ होकर बैठ जाए एकदम। ये सत्संग और साधना दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जैसे जैसे ये क्रियाएं थोड़ी और बार करोगे ना, तुम्हें इसमें इतना मज़ा आने लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि इसके बाद ये सत्संग क्यों क्यों बोल रहे हैं आप। क्योंकि कितने ही होंगे, अभी भी मैं देख पाती हूँ आंखें बंद हैं, शांति से बैठे हैं, कुछ अलग अलग संवेदन अनुभव शुरू होंगे, लेकिन फिर भी साधना और सत्संग, ये अब तुम्हारी साधना शुरू हो रही है ये स्वराज क्रिया के साथ, और ये सत्संग, दोनों साथ साथ चलने चाहिए दोनों के अंदर। क्योंकि यदि तुम्हारा ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारा आज्ञा चक्र कभी खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। और यदि तुमने बहुत सुन लिया लेकिन साधना नहीं करी तो भी तुम्हारा आज्ञा चक्र उस शक्ति तक पहुंच ही ना पाएगा। इसलिए दोनों की एक परस्पर मैत्री चाहिए। इतने सालों सत्संगों को इतना बढ़ावा देने के बाद, इतने इतने घंटों बोलने के बाद, 400 जितने सत्संग लगभग अब YouTube पर आ चुके हैं, इतने इतने घंटों बोलने के बाद अब मैं ये साधना पद्धति को बाहर ला रही हूँ। और देखो तो 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 25 मिनट का समय, और एक्चुअल में जब क्रिया तुम्हारे पास आएगी 20 मिनट भी नहीं होंगे, 15 मिनट ही बोला था मैंने उस दिन, तो 12 से 15 मिनट में क्रिया होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें सारे चक्र पता होने चाहिए। जैसे कोई कीबोर्ड बजाते हैं, ये पार्थ और अवनीश बजाता है, बिना देखे बजा लेता है, तुमने देखा हो कभी उसे? वो कीज की तरफ देखता भी नहीं, कहीं नहीं, वो अपनी धुनकी में होता है और इतना खूबसूरत बजाता है। तुमने देखा है कभी? टीवी पर भी देखे होंगे, ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जो देखते भी नहीं है कीबोर्ड की तरफ, लेकिन जहाँ वो हाथ रखते हैं वही सुर बजकर बाहर आता है और इतनी मिठास देता है कि नहीं। इसी तरह सात सुर तुम्हें मालूम होने चाहिए, तुम्हारे बिना देखे महसूस किए तुम्हें पता होना चाहिए, ये बोला मतलब यहाँ,
ये बोला मतलब यहाँ इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो जहाँ जैसे ही ये क्रिया जब आएगी पूरी पूरे फॉर्मेट में 15 मिनट वाली, तब जैसे ही हम कहेंगे ना तुरंत तुम्हारा उपयोग वहाँ और उस वाइब्रेशंस के अंदर तुम्हारे भीतर अनेक गुनी शुद्धि, मैं वादा करती हूँ और मैं दावा भी करती हूँ, दोनों बातें कहती हूँ, वादा भी है तुमसे कि अनेक गुनी शुद्धि होगी और दावा भी करती हूँ कि ऐसी शुद्धि तुमने इससे पहले महसूस नहीं की होगी। चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, साधना जरूरी है, और बिना सत्संग के चाहे कितनी भी साधना कर लो अधूरे रहोगे। दोनों की मैत्री चाहिए, और कितने प्रपोर्शन में ये मैत्री होनी चाहिए। अब तुम कहो कि 2 घंटे का सत्संग है तो 1 घंटे क्रिया जैसा कुछ करा दो, बड़ा मज़ा आया ना, और 1 घंटे सत्संग करा दो, ऐसा नहीं होता। जितना आटा लेते हो उतना ही नमक लेते हो क्या? कुछ प्रपोर्शन में फ़र्क होता है ना, और कौन से आटे में कितना नमक, कितनी मिर्ची, कितना क्या, सारा प्रपोर्शन अलग अलग आटे में अलग अलग टाइप का होता है। ऐसे ही साधना मार्ग में भी कितनी साधना, कितनी क्रिया, कितना सत्संग, ये सब गुरुगम के पास ही होता है, तुम ना समझ पाओगे। इसलिए जैसा होता है ना उसे वैसे होने दो और अपनी शुद्धि आगे करते जाओ, ठीक है? आएगा बहुत मज़ा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। आज कैसा रहा तुम्हारा आज? अच्छा, ताली भी बजाते हो, आपके लिए मैं ताली बजा दूँगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे जैसे ठंड के दिन आएंगे ना, वैसे वैसे वातावरण के अंदर एक घनता, घन हो जाता है वातावरण, इंटेंस हो जाता है, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। तो जब वो घनता वातावरण में आ जाती है ना, तब तो ये ध्यान करने के और मज़ा आएंगे। इसलिए कोशिश है, हर बार करनी है, और कोशिश यही है कि पहले क्रिया करनी है, उसके बाद फिर सत्संग शुरू करेंगे। तो तुम लोग सब समय से आने की चेष्टा रखना। जैसे कीबोर्ड के बारे में बताया, कीबोर्ड का जो प्लेयर होता है, जो शातिर प्लेयर होता है, उसको बिल्कुल पता होता है कौन सा सा कहाँ है, रे कहाँ है, गा कहाँ है। ऐसे तुम्हें 4 महीनों में इतनी शातिरता, इतनी तैयारी तुम्हारी हो जानी चाहिए कौन सा चक्र कहाँ है, फिर ये क्रिया एक अलग ही रूप देगी। आज्ञा केंद्र पर कुछ अलग अलग अनुभव शुरू हो जाएंगे, और वो अनुभव बहुत सारी घोषणाएँ करते हैं। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, मुझे पीला प्रकाश दिखा, मुझे नीला प्रकाश दिखा, कुछ भी हो सकता है। बस उसके बाद की तुम अपनी मानसिक वैचारिक स्थितियों में फ़र्क पाओगे, ये मेरा दावा है। तुम्हारे जो विचार करने की स्थिति है, तुम्हारे बोलने की स्थिति है, तुम्हारे सोचने का ढंग है, तुम्हारे इन सब में बहुत बड़ा फेरफार आता जाएगा। आ जाओ उत्तराधीन सूत्र के 3rd अध्ययन में। ध्यान के बाद भी तालियां बजाने का मन करता है, ये अपने यहाँ ही होता है, और मुझे तो अच्छा लगता है। टोटल 20 श्लोक। पहले श्लोक के अंदर 4 दुर्लभताओं की बात करी। 4 दुर्लभताएं कौन कौन सी, तुम भी बोलो क्योंकि मेरा भी बोलने का मन नहीं है। मनुष्यत्व, धर्म, श्रवण। श्रवण तो बहुत मिलता है, लेकिन धर्म, श्रवण, धर्म, श्रद्धा, और संयम में पुरुषार्थ, पराक्रम। उसके बाद 2रा, 3रा और 4था श्लोक हमने देखा था कि 4 गति में परिभ्रमण की जो बात करी है, और वो परिभ्रमण का कारण कोई और नहीं है, तुम्हारे अपने ही कर्म है। और उसमें हमने देखा कि कौन से कर्म से नरक गति में जाता है, कौन से स्वर्ग गति में, कौन से असुर गति में, ये सारा हम लोगों ने देखा। आज हम करते हैं 5वां, 6ठा, 7वां, ये तीनों इकट्ठे ले लो। मेन मुझे आज बात करनी है 8वें के ऊपर, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। एक बार पारुल प्रभु, फिर सब। ईव मावट जोड़ी सु पाणी डोकम की विसा सुवखतिया एव मावट जोड़ी सु पानी नो कम के पिसा नानि विचंति संसार
હિમ સમુઠા દુખિયા બહુ વેયણા અમાણ સાસુ જોણીસો વિલી હમ મંદી જાણીનો કમાણમ તું પહણાઈ આણો પુવિકયા ભગવાન ને ઇસ વાણી મે ગાયા હૈ ઇસલિયે ગવાતી હું તુમ લોગો સે ભી જરૂરી નહીં હૈ કે ઇસકો દો દો બાર ગાયા જાય ઇસસે કુછ સમજ નહીં આતા તુમે લેકિન ભગવાન ને જો વાણી બોલી હૈ ઉસમે બોલને કા ભી તુમે સૌભાગ્ય મિલ રહા હૈ ઇસકે લિયે હી ગવાને કા પ્રયોજન હૈ સારા ઓર કહેતે હૈ રાગ ભી કુછ એસા હી થા માલકા ઉસ રાગ કી તરફ ક્યા કહેતે હૈ પાંચવે મે જિસ પ્રકાર ક્ષત્રિય કિસી ભી અર્થ યાની પ્રયોજન કે ઉપસ્થિત હોને પર હાર નહીં માનતે ઉસી પ્રકાર કર્મ ક્લિવિશ યાની કર્મ સે કલુષિત જીવ યોનિ ચક્ર મે ભ્રમણ કરતે હુએ ભી સંસાર મે નિર્વેદ નહીં પાતે ઉસસે મુક્ત હોને કી ઈચ્છા નહીં કરતે ક્ષત્રિય કે સાથ ઉન્હોને કમ્પેરિઝન કી હૈ જૈસે ક્ષત્રિય હોતા હૈ ઉસકો કોઈ ભી લક્ષ્ય દિયા જાય તો કહેતે હૈ વો ક્ષત્રિય કહેતા હૈ કે વો પૂરા કરકે હી આયેગા એક બાર વચન દે દિયા તો કહેગા પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય ઇતની ઉનકી દૃઢતા હોતી હૈ ક્ષત્રિય કી ઇસી પ્રકાર જૈસે ક્ષત્રિય કો એક બાર કોઈ લક્ષ્ય બંધ જાય વો કભી છૂટતા નહીં ટૂટતા નહીં ઇસી પ્રકાર કર્મ કે સાથ કર્મ ક્લિવિશ મે અભી સમજાતી હું વર્ડ ક્યા હૈ જિસકે અંદર કર્મો કી સત્તા બહોત ભરપૂર ક્લિવિશ રૂપ મે યાની કલુષિત રૂપ મે પડી હૈ વો કિતને ભી પરિભ્રમણ કરા લો ઉને જન્મો જન્મ મે ભટકા લો જન્મો જન્મ કે ભટકને કી કથાએ ઉને સુના દો લેકિન ફિર ભી ઉને પતા નહીં ક્યા હોતા હૈ નિર્વેદ હી નહીં આતા નિર્વેદ સમજતે હો સંસાર સે થકતે હી નહીં હૈ ઉનકો કિતના ભી સમજાએ કે ભાઈ તું કિતની બાર નરક મે ગયા તુમને ચલો નરક નહીં દેખી તુમ કહોગે કિસને દેખી નરક સ્વર્ગ તો ચલો ભાઈ કિતની બાર એસે જાનવર બને કિતની બાર એસે પેડ પૌધો મે ગયે કિતની બાર તુમ નીચ કુલ કે અંદર ઉત્પન્ન હુએ વો તો પત્તા માનતે હો કભી નીચ કુલ મે ગયે હોંગે કભી એસે કુલ મે કભી અપંગ પૈદા હુએ કભી બીમાર પૈદા હુએ કભી કિતને અલગ અલગ ઢંગ સે તુમને પરિભ્રમણ કિયા ઉને કિતની ભી કથાએ સુનાએ ના પર ઉનકે ભીતર નિર્વેદ નહીં આતા ઉનકે ભીતર અબ સંસાર કે પ્રતિ થકાન નહીં મહેસૂસ હોતી એસે કર્મ સે કલુષિત જીવ હોતે હૈ સભી ધર્મ કહેતે હૈ કે મનુષ્ય જીવન સબસે મહત્વપૂર્ણ હૈ ઓર અબ તો તુમે સાધના કી અપેક્ષા ભી સે ભી સમજ આયા હોગા અબ વો માયા વાલે સત્સંગ કી અપેક્ષા સે ભી સમજ મે આયા હોગા કે માયા તુમ ઇસી જીવન મે સમજ સકતે હો કે સબ ભ્રમ હૈ ધોખા હૈ ઓર સાધના કી અપેક્ષા સે કે મજ્જા તુમ્હારે પાસ હી હૈ સારે જાનવરો કે પાસ નહીં હૈ દેવો કે પાસ નહીં હૈ કહા થા શિવમ મે ભી ઉનકે પાસ વૈક્રિય શરીર હોતા હૈ હો હી નહીં સકતા યે પૂરા કા પૂરા જો પેકેજ સાધના કે લિયે તુમ્હે મિલા હૈ એસા કિસી કો નહીં મિલા ઇસલિયે ભી મનુષ્ય જીવન કો દુર્લભ કહેતે હૈ ઓર એસે દુર્લભ જીવન મે તુમ આયે હો તુમ્હે તુમ્હારી પૂર્વ કી કથાએ સુનાઈ જાય લેકિન તુમ્હે ભરોસા નહીં હોતા ભરોસા હો ભી જાય તો ભી અભી તુમ સંસાર સે નિર્વેદ નહીં પાતે ક્યું ક્યુંકિ કર્મ સે ક્લિવિશ હૈ તુમ્હારા અસ્તિત્વ કર્મ ક્લિવિશ ક્યા હોતે હૈ યાની જો કર્મો સે એકદમ રચે પચે હૈ કર્મ અંદર હૈ લેકિન અબ તુમ કર્મ ક્લિવિશ હો કે નહીં યે તુમ ચેક કરના મે તુમ્હે ચાર અલગ અલગ સંભાવનાએ બતાતી હું જો તુમ્હારે જીવનમાં હોતી હૈ તુમ ચેક કરના તુમ કર્મ ક્લિવિશ હો કે નહીં હો જૈન શાસ્ત્રો મેં ચાર બહોત મહત્વપૂર્ણ શબ્દ બતાએ ગયે હૈ વો લિખતી હું ઓર ઉસકે આધાર પર તુમ્હારા નિર્ણય હોગા કે આપ કર્મ ક્લિવિશ હૈ કે નહીં હૈ પહેલા પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય તુમને ચારો શબ્દ સુને હોંગે દૂસરા
दूसरा पुण्यानुबंधी क्या होता है? पाप। तीसरा पापानुबंधी पुण्य। और चौथा पापानुबंधी पाप। ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। होता क्या है, तुम्हारे कर्म सत्ता के अंदर जिस प्रकार के भी कर्म होते हैं वो पुण्य या पाप रूप में बाहर आते हैं, और तो कोई ढंग है नहीं। कृपा रूप तो वो तो ऊपर से बरसती है। तुम्हारी सत्ता में जितने भी कर्म है वो या तो पुण्य रूप में बाहर आएंगे यानी गुड थॉट्स एंड गुड एक्शंस, या फिर पाप रूप में बाहर आएंगे यानी बैड थॉट्स एंड बैड एक्शंस। दोनों ही बातें रखेंगे, थॉट्स एंड एक्शंस बोथ थिंग्स। पुण्य यानी गुड थॉट्स गुड एक्शंस, और पाप यानी बैड थॉट बैड एक्शंस। तुम्हारी कर्म सत्ता में से जो जो निकलेगा वो या तो पुण्य रूप में निकलेगा या फिर पाप रूप में निकलेगा। होता है तुम्हें अच्छा थॉट आया, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, प्रेजेंट में, फ्यूचर करते हैं इसको, तुम्हें गुड थॉट एंड एक्शन तुमने किया प्रेजेंट में, तुमने कोई तुम्हारी जो कर्मों की बास्केट है उसमें से गुड थॉट एंड एक्शन आया, अंदर से बाहर निकल के आया, अच्छा थॉट आया कि मुझे दान देना है, और तुमने करा भी, दोनों बातें हो गई, थॉट भी आया, टी एंड ए यानी एक्शन, तुमने डीड भी करा। तुमने अभी गुड थॉट और गुड एक्शन किया, और बाद में भी उसी गुड थॉट और एक्शन के लिए बार बार उसको सोचकर तुम हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो कि वाह आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, आज मैंने दान दिया, आज मुझे तप का भाव आया, अच्छा हुआ मैंने 2 घंटे का ही तप किया लेकिन मैंने किया। आज मैं परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने गई, अरे वाह बहुत मज़ा आया, आज दर्शन करने का भाव आया, क्रिया भी हुई, और उसके बाद तुम उसको अनुमोदना भी कर रहे हो, हैप्पी भी हो रहे हो उस क्रिया को लेके। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बास्केट में से पुण्य बाहर आया था यानी गुड थॉट एंड एक्शन, और वापस तुमने आगे के लिए क्या बांध लिया, वापस पुण्य बांध लिया। अनुबंध यानी अब जो बाद में आएगा पीछे से, आगे जाके भी पुण्य ही, यानी तुम्हारी बास्केट में से इनकमिंग क्या निकला, पुण्य, और तुमने आगे के लिए भी अपनी बास्केट में क्या बांध लिया, डाल दिया पुण्य। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि तुम्हें पाप यानी बैड थॉट एंड एक्शन, तुम्हें थॉट भी आया बैड और तुमसे एक्शन भी हो गई बैड। हो सकता है ऐसा, तुम्हें बैड थॉट भी आ रहा है और तुम एक्शन भी बैड कर रहे हो। अब तो ऑल दो अब हम जिस जगह पर हैं थॉट पर ही अटक जाते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने दोनों का रखा है, थॉट आया या खाली एक्शन हुई या थॉट और एक्शन दोनों इकट्ठे, तीनों ऑप्शंस को तुम मान लेना। तुम्हें बैड थॉट या एक्शन आया लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने उस थॉट या एक्शन, उस विचार या उस कृत्य के प्रति बड़ा खेद हो रहा है, बहुत खेद, कह रहे नहीं ये क्यों आया मुझे, मैं इतने इतने सत्संग सुनता हूँ और अब तो मनुष्य जीवन की इतनी इंपॉर्टेंस पता चली, ये थॉट ये एक्शन ये विचार ये कृत्य मुझसे क्यों हो रहा है। तुमने कर भी लिया कृत्य, खाली सोचा नहीं, तुमने मानो बुरा से बुरा कृत्य कर भी लिया, लेकिन उसके बाद उस कृत्य की आलोचना निंदा गरिया तीनों चीजें यदि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि बास्केट में से तो क्या निकला था लेकिन तुमने बांधा क्या, पुण्य। समझ में आ रही है बात, राइट है ये भी, फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट है, राइट है ये बात, क्योंकि तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा ना इसका निर्णय नहीं कर सकते। बास्केट में तुमने इतना डाला है, इतना कुछ जन्मों जन्म से डाला है, अंदर से क्या निकलेगा उसका कुछ नहीं है। क्या अब तुम रिएक्ट करते हो, आगे इनकमिंग कॉल फ्री होता है ना, आउटगोइंग का चार्ज लगता है, इसमें भी ऐसा है, इनकमिंग फ्री है, जो अंदर से बाहर आ रहा है उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा तुम्हें, लेकिन अब जो बाहर से जा रहा है आउटगोइंग जो हो रहा है वो तुम्हारे को उसका चार्ज लगेगा। अब तुमने भले ही पाप का थॉट किया, पाप का गलत एक्शन किया, गलत थॉट कर दिया, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है तुमने व्यभिचार जैसी दुर्घटना भी तुम्हारे जीवन में हो गई, व्यभिचार तुम समझते हो, परस्त्री के साथ कोई गमन भी हो गया, लेकिन अब अंदर में खेद है। तुम कहोगे कब तक ये खेद होना चाहिए,
क्योंकि वो क्रिया हुई अब 10 साल हो गए, इस मनुष्य जीवन में कभी भी रखो। वैसे तो शास्त्र कहते हैं हफ्ते के अंदर, हफ्ते नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन नहीं तो महीने में, नहीं तो साल में एक बार, वो जो मेन प्रतिक्रमण करते हैं ना, वो इसीलिए होता है कि इस साल दरमियान मुझसे ऐसा कोई भी पाप मन से, वचन से, काया से हुआ हो तो उसके लिए क्षमा। लेकिन अब चलो तुम्हें यहाँ तक शास्त्र ये भी छूट देते हैं, सबसे लीनियंट शास्त्र जो है ना वो यहाँ तक बात करते हैं, कभी भी याद आ जाए 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद तुमने ऐसे बुरे थॉट्स किए थे और ऐसा एक्शन भी कर डाला था, लेकिन अब तुम्हें उसके प्रति बहुत तहे दिल से खेद हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, तो भले अंदर से क्या निकला था पाप, लेकिन बांध रहे हो क्या अब पुण्य। समझ में आता है, ये दोनों क्लिविष्कर्म नहीं है, नहीं है, इसके बाद वाले दोनों क्लिविष्कर्म है। तुमने पुण्य यानी तुम्हारे बास्केट में से क्या निकला, पुण्य यानी गुड थॉट्स एंड एक्शन, मंदिर जाना है, दर्शन करना है, दर्शन किया भी तुमने, लेकिन बाद में घर पर आकर तुम कहते हो टाइम वेस्ट है। और वहां पर औरतें तो ना उल्टी पुल्टी बातें करती है, औरतें तो उल्टी पुल्टी बातें करती रहती है, वहां पर ऐसे ही आ जाते हैं, उनको कोई धर्म से मतलब ही नहीं होता। घर पर आकर तुम दर्शन की महिमा नहीं गा रहे, तुम लोगों की बातें कर रहे हो। घर पर आकर तुम्हें लगता है अरे आने जाने में इतना ट्रैफिक हो जाता है, आजकल है ही, एक एक घंटा हमें आने जाने में लग जाता है, इससे अच्छा तो घर पर ही दर्शन कर लेते। अब तुमने कृत्य अच्छा कर लिया, काम बहुत अच्छा किया, तुम्हारे बास्केट में से क्या निकला था, लेकिन खत्म हो गया वो, तो दर्शन हुआ और पुण्य खत्म तुम्हारा। लेकिन अब तुम जो उसके प्रति ऐसी घृणा का भाव बता रहे हो, तो उसका मतलब अब तुम बांध क्या रहे हो, पाप, यानी ये उदयाएगा लेकिन पाप के अंदर खपेगा, यानी तुम्हारे जीवन में पैसा आएगा क्योंकि पापानुबंधी पुण्य है ना, तो इसका परिणाम कैसा होगा, आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी लेकिन सारी बीमारी में खर्च होगी। समझ पाते हो, इसमें क्या है, धन संपत्ति आएगी लेकिन सारी अच्छे कामों में, सत कार्य के अंदर ही यूज होगी। ये तुम्हें अब सोचना है, तुम्हें क्या करना है। देखो पाप या पुण्य कौन सा बास्केट में से निकलेगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें अच्छा बुरा कोई भी विचार आ सकता है, लेकिन विचार के बाद पूरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। और मैं कहती हूँ पूरे जीवन की प्रतीक्षा क्यों करनी, इसीलिए मैं तुम्हें सजग करती जा रही हूँ, अपने हर विचार के प्रति सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ, ताकि तुरंत ही तुम पकड़ पाओ ओ बास्केट में से क्या निकला, आज सत्संग में नहीं जाना, क्या है ये पाप, तो मैं बास्केट में से तुरंत खेद, अरे यहीं तुझे आलस आती है, बाकी तो किसी काम में आलस नहीं आती, अपने से बातें करो, खेद करो कि ऐसी वृत्ति क्यों, क्या हो जाएगा, बंधेगा क्या पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, इसका उदय भी आएगा ना, खराब उदय आएगा, पाप पुण्यानुबंधी पाप है ना, इसलिए तुम हॉस्पिटल में भी भर्ती होगे लेकिन तुम्हें राइट डॉक्टर मिलेगा। यहाँ पर आज तो तकलीफ ही है कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, राइट डायग्नोस करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलता, लेकिन जब तुम्हारे खाते में पुण्यानुबंधी पाप होगा ना, तो क्या होगा, तुम बीमार तो पड़ोगे, पुण्यानुबंधी पाप है, लेकिन होगा क्या, राइट डॉक्टर के हाथ में सीधे पहुंच जाओगे, कितना लाभ है। समझ में आ रही है बातें, ये दोनों क्लिविष्कर्म नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ ये दोनों क्लिविष्कर्म के खाते में जाते हैं, इसमें क्या निकला बास्केट में से, गुड थॉट, गुड एक्शन, दान देने का भाव किया, एक आध सत्संग हम भी स्पॉन्सर करते, फिर सोचा अरे ये लोग हैं ना, ये लोग हैं ना, मिशन चल तो रहा है 5 साल से, अरे 5 साल से चल रहा है और आगे प्रभु कृपा रही तो आगे 50 साल तो मैं नहीं जीना चाहती, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें जो थॉट आया, तुम्हें थॉट आया दान का, स्पॉन्सरशिप का, फिर सोचा नहीं रहने दो, अगले साल का कोई भरोसा है, तुम जियोगे अगले साल तक। मुझे पता चला उत्तराधीन सूत्र के सारे सत्संग ना टिक हो गए, जिस दिन स्पॉन्सरशिप स्कीम निकली ना, सारे सत्संग इकट्ठे मैंने देखा वेबसाइट पे, मैंने कहा ये क्या कुछ गलती है, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं सारा उत्तराधीन सूत्र बुक हो गया दिसंबर तक का, सारा उसका डोनेशन स्पॉन्सरशिप जो भी हमने इन्होंने वर्ड यूज़ किया है सारा हो गया। मैंने कहा लोगों को उत्तराधीन सूत्र के प्रति बहुत बहुमान लगता है, कहते लोगों का तो पता नहीं, ये एक लोग का काम है, केवल एक ही व्यक्ति ने दिसंबर तक के, जुलाई में डिक्लेयर हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, पांचों महीना उत्तराधीन सूत्र मेरे नाम पे डाल दो, अनुमोदना। तुम कर नहीं सकते तो अनुमोदना तो करो कम से कम।
जिसने किया ना उसको भी अनुमोदना करनी चाहिए, अपने हाथों से खुद अपने लिए तालियां बजानी चाहिए, वाह प्रभु तूने मुझे ये भाव दिया ये पुण्य के लिए, और अब ये तो पुण्य कैसा बन गया, पुण्यानुबंधी पुण्य अपने कृत्य का अब वापस तुम बहुमान कर रहे हो तो किस खाते में गया, पुण्यानुबंधी पुण्य। मैं सोचती हूँ अपने जीवन में बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य लेकर आए हैं हम लोग, क्योंकि पुण्य के कारण पुण्य के कारण खूब धन संपत्ति है, लेकिन सब इस्तेमाल कहाँ हो रही है, पुण्य वापस कोई अच्छे कृत्य में, शुभ कृत्य के अंदर ये सर्कल तुम्हारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और जितने भी तीर्थंकर कहो, चक्रवर्ती कहो, बलदेव कहो, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य वाले जीव होते हैं, पुण्यानुबंधी पाप वाले नहीं होते। पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आया, ये क्लेविश कर्म नहीं है। दूसरा पुण्यानुबंधी पाप समझ में आया, ये भी नहीं है। पाप का तुम्हारे बास्केट से पाप निकलता है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि तुम्हें उसका खेद है, 5 साल पहले भी कोई पाप हुआ हो ना, अगले संडे खेद करना उसका। अगले संडे मैं क्यों आज बता रही हूँ सब कुछ तुम्हें, क्लेविश कर्म के अधीन क्यों बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में छोटा बड़ा मैं 4 ही पाप लेने वाली हूँ। तुम्हें पता है 3 या 4 लेती हूँ, इस बार का 4 का टारगेट है, 4 पाप हम लोग 4 घंटे में करेंगे, लेकिन तुम देख लेना साथ साथ में बड़ी सरलता से, हाँ ये पाप मैंने किया है, हाँ ये पाप मैंने किया। तुम्हारे पास किताबें हैं ना, पहले से बैठ कर देख लेना, खास मैं पहला पाप तो करती हूँ, अहिंसा करती हूँ, मैथुन करती हूँ, इस बार राग और द्वेष करने वाली हूँ, तो ये कुछ कुछ पाप तो मैं पक्का ही छूने वाली हूँ इस बार, तो खास बैठ कर घर पर देख लेना ताकि तुम्हें याद आता रहे हाँ हाँ ये पाप हमने किया है, और वहाँ पर उस पाप की निंदा आलोचना गरिया सब कुछ प्रत्यक्ष में ही हम बैठे होंगे तो तुम्हारी गरिया भी हो जाएगी, निंदा भी हो गई, आलोचना भी हो गई, तो तुम्हारा वह पाप तुम्हारे लिए क्या बन रहा है, पुण्यानुबंधी पाप बनने जा रहा है। कितना बड़ा लाभ है क्षमापना से। फिर पापानुबंधी पुण्य, बास्केट में से निकला गुड थॉट एंड गुड एक्शन, लेकिन वो किया भी थॉट या एक्शन किया भी, लेकिन बाद में उसके प्रति खेद का भाव है, भिखारी को भीख देके खेद का भाव है, तपस्या करके खेद का भाव है, अरे इससे अच्छा तो हम अपना सत्संग आदि में टाइम नहीं, तुमसे तपस्या नहीं होती उस कॉलम में रखो, तपस्या के मामले में मैं वीक हूँ, लेकिन सत्संग में मजा आते हैं, दोनों के कॉलम अलग रखो। हम क्या करते हैं, दोनों का कॉलम मिला देते हैं, तपस्या नहीं होती छोड़ो कोई बात नहीं, हमें तो सत्संग में मजा आता है ना, नहीं दोनों का कॉलम अलग करो, तपस्या नहीं होती वो तुम्हारी वीर्य की कमी है, तुम्हारे भीतर उतना वीर्य नहीं है, लेकिन सत्संग में उल्लास बहुत आता है, ये प्रभु की कृपा है। ऐसे करते करते दोनों कॉलम्स को अलग रखो, तुम क्या करते हो ना, तपस्या नहीं होती उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसका खेद नहीं करते, और इसलिए क्या होता रहता है, थॉट आया तपस्या का पर खेद नहीं हुआ, कहाँ चला गया, किस खाते में, पापानुबंधी पुण्य के अंदर। और चौथा बास्केट में से क्या निकला, पाप यानी बैड बैड थॉट एंड एक्शन, तुम्हें ये निकला तुम्हारे उसमें से, बैड थॉट एंड एक्शन, थॉट आया बैड, एक तो उसे एक्शन तक पहुंचा दिया तो पापानुबंधी पाप हो ही गया। अब वो जो बैड एक्शन की उसकी भी अनुमोदना कर रहे हो, किसी को धोखा देके, वाह देखा क्या धोखा दिया, कैसा बेवकूफ बनाया, कैसे झूठ बोल गए, इवन सद्गुरुओं के आगे भी झूठ बोल जाते हैं कई बार हम, ये जो हमारे अंदर झूठ बोलने की वृत्ति, ये जो धोखा देने की वृत्ति, और वापस उसको प्रेस करने का भाव, कैसा बुद्धू बनाया, कैसा मूर्ख बनाया, कोई भी बुरा काम करो और उसको छुपा लेना तुम्हें कैसा आता है, वेश्यागमन हो गया हो या परस्त्रीगमन हो गया हो तो तुम्हें छुपाना कितने अच्छे से आता है, और छुपा लिया यानी 5 साल तक तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चला या तुम्हारे पति को पता नहीं चला, और उसमें अपने आप को होशियार मानते हो, ये क्या आ गया, पापानुबंधी पाप। ये दोनों टाइप के कर्म जो है ना, ये इसको बोलते हैं क्लिविश कर्म, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है, समझ में आता है, कलुषित कर्म। पहले दो कर्म कलुषित नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो तुम्हें कहीं ना कहीं से मोक्ष मार्ग मिलता ही रहेगा, डोंट वरी। पुण्यानुबंधी पुण्य का तो जब उदय भी आता है ना तो तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग ढूंढ कर लाता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हर समय की सजगता, हर समय की अवेयरनेस, हर समय की ना हो तो कम से कम अभी अगले हफ्ते संडे जब तुम उस क्षमापना में बैठे हो तो एकदम सरल होकर, बालक की तरह सरल होकर,
कुछ भी छुपाए बिना अपने हर दोष की आलोचना निंदा गरिया करना, तुम्हें डायरेक्ट एक्सेस हो सद्गुरु का, खास उस दिन 13 सितंबर के लिए कहती हूँ, उस दिन इफ़ यू हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू योर सद्गुरु, जो भी तुम्हारे गुरु हो, तो अपना जो सबसे बुरे से बुरा तुम्हें लगता है ना पाप, बुरे से बुरा, उसको एक बार शब्दों के माध्यम से भी कहना। मैं भी बैठी होती हूँ वहाँ, लेकिन तुम्हारे कोई और भी गुरु हो तो उस दिन जाकर अपने गुरु को ज़रूर बोलना, क्योंकि एक तरफ हमने वो क्रिया की होगी ध्यान के माध्यम से, हमने उस क्रिया में प्रवेश किया होगा, उसके बाद तुम्हारे मुंह से थोड़ा शब्दों का बस साथ मिल जाएगा ना, तुम्हारे उस क्रिया के पीछे जो वो तुम्हारे पाप के पीछे जो मूल पड़ा है ना, वो मूल से उखड़ जाएगा। कोशिश करना, हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए, हिम्मत चाहिए होगी। और कुल मिला के पाप हैं कितने, 18 ही, तो उसमें से कोई एकाध दो पाप जो तुम्हें लगते हैं मैंने बहुत बुरा किया है इस जीवन में, निकाल देना इसको बाहर, निकाल देना। मैं कोशिश करूंगी उस दिन भी ऐसा कुछ समझाने की, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि आज हमें भी क्षमा अपना पूरी करनी है, जो किया सो किया, जो किया सो किया, फर्क क्या पड़ता है। अब तुमने पाप किया था, पाप किया था, अब उसके ऊपर पुण्यानुबंधी पाप जैसा भी कुछ होता है कि नहीं, और वो क्लिविश कर्म में नहीं है। और जिनके खाते में क्लिविश कर्म होता है, ये समझने जैसी बात है, जिनके खाते में क्लिविश कर्म है उन्हें संसार से निर्वेद नहीं होता, यही तो लिखा है इसमें, यही समझा रही हूं तुम्हें। जिनके जीवन में क्लिविश कर्म यानी पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप बहुत ज्यादा है, उन्हें कभी भी संसार से निर्वेद नहीं होता। कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, कितना भी जीवन में झटके आ जाते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कोई झटका आ गया ऐसा और उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बड़े बड़े झटके लग जाएं, बड़े बड़े लॉस हो जाए, बड़े बड़े धोखे लग जाएं, अपना प्रिय से प्रिय पात्र व्यक्ति उसको छोड़ के चला जाए, लेकिन फिर भी उसको संसार से निर्वेद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके खाते में क्या है, क्लिविश कर्म बहुत ज़्यादा है। और ये क्लिविश कर्म खत्म कहाँ होंगे अब, क्षमापना में। और क्षमापना तो चलो एक दिन की, लेकिन बाकी तुम्हारा नित्यक्रम, तुम्हारे नित्यक्रम किस लिए दिया हुआ है, रोज की रोज तुमसे जो भी दोष हो रहा है उसके प्रति अवलोकन, उसके प्रति खेद, उसके प्रति आलोचना निंदा गरिया, जो जो कुछ तुम करते हो, यही लिखा है यहाँ, इसका ढक्कन वहां है। तुम्हारी कर्म रूपी बास्केट में से कुछ भी शुभ या अशुभ कुछ भी निकल आएगा। ये शब्द बड़े धोखेबाज है, पुण्य लिखा है पर एक्चुअली शुभ और अशुभ की बातें चल रही है, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। इस चौकड़ी को कितने लोग नहीं समझते, इनफैक्ट मुझसे तो कभी किसी साधु ने भी पूछा था कि आपको ये समझ में आती है, मैंने कहा हाँ अभी आती है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है, लेकिन कुछ बात हो रही थी उसमें उन्होंने दो चार प्रश्न पूछे मुझसे और उनको मैंने जैसे कहा तो उन्हें भी समझ में आया कि बहन कभी हमको भी समझाना इस बात को, लेकिन कभी फिर बुलाया ही नहीं। अब सामने जाके थोड़ी मैं कहूँगी कि लो मैं आ गई समझ लो मुझसे, ये फायदा तो ना श्रावकों को है, लो मैं आ गई समझ लो मुझसे, है कि नहीं। साधु साधुओं को ये फायदा नहीं है कि वो ऐसे उनके पास में जाऊं, वो तो अभिनय ही हो जाता है। लेकिन चलो अभी हम बात क्या करें, जिस प्रकार क्षत्रिय किसी भी अर्थ यानी प्रयोजन के उपस्थित होने पर हार नहीं मानते, उसी प्रकार कर्म क्लिविश यानी कर्म से कलुषित यानी पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप वाली प्रकृति के लोग योनि चक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार से निर्वेद नहीं पाते। समझाना मुझे ये है, ये लोग कौन से लोगों को निर्वेद नहीं होता, इतने सत्संग सुनने के बाद भी क्लिविश कर्म वालों को निर्वेद नहीं होता, उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते। जो जीव, अगला छठा, जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़ दुखित और अत्यंत वेदना वाले हैं, वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्येतर यानी नरक और तीरियंच योनियों में ढकेले जाते हैं। ऐसे मूढ़ लोग जिन्हें ये समझाया भी जा रहा है, मैं तो अभी तुम्हारी बात कर रही हूँ क्योंकि तुम ही सुन रहे हो ना सभा में, तो तुम्हारी ही बात कर रही हूँ कि जिन्हें इतना इतना क्लैरिटी से समझाया जा रहा है फिर भी मूढ़ की तरह बैठे रहेंगे, उन्हें नरक और तीरियंच गतियों में ढकेला जाएगा। क्या लिखा, ढकेला लिखा हुआ है, वही शब्द है, उन्हें ढकेला जाता है। सम्मूढ़ दुखित और अत्यंत वेदना वाले हैं, वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्येतर यानी नरक और तीरियंच योनियों में
ढकेले जाते हैं। उसके बाद का है, काल क्रम के अनुसार कदाचित मनुष्य गति को रोकने वाले कर्मों का नाश भी हो जाता है। उस शुद्धि को पाकर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। अकाम निर्जरा की बात की है, जो मैंने एक सत्संग में बीच में की ही थी। अकाम निर्जरा करते 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 जीव मनुष्य योनि तक आता है। उसमें यदि ये सब बातें समझ पाए और दूसरी तरफ मैं उस माया के स्वरूप को पूरा पूरा रखती हूँ। अब एक बात याद रखना, अगर एक तराजू है ना, तो उसके एक पलड़े में माया का स्वरूप रहेगा और एक पलड़े में सारे सत्संग। तुम्हें सब कुछ टैली करके चलना है। जो भी है तो फाइनली माया, जो भी चल रहा है तो माया। करते करते इन सब को खत्म करना है। दो दो बार सत्संग सुनना है, पता है ना, दो दो बार। काल क्रम के अनुसार कदाचित मनुष्य गति को रोकने वाले कर्मों का नाश भी हो जाए। जो लोग तिर्यंच और नरक आदि गति में है, उनका कर्मों का नाश कैसे होता है मालूम है तुम्हें? एक पत्ता है, कौन सी योनि है? तिर्यंच। एक हरा हरा पत्ता है, इतना बड़ा पत्ता है, बड़ा सुंदर सा, तिर्यंच की योनि के अंदर है। तिर्यंच यानी खाली घोड़े बकरी गाय नहीं, मॉस्किटो वगैरह, इन तिर्यंच में एक केंद्रीय से लेकर ये सारे ही आ गए, जितने भी है सभी को तिर्यंच ही बोला जाता है। कहीं किसी को कन्फ्यूजन ऐसा लग रहा है इसलिए, हाँ आपको ऐसा, तिर्यंच यानी एक केंद्रीय, सारे आ गए तिर्यंच में। तिर्यंच के अंदर एक केंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय भी, घोड़े वगैरह है ना, वो सारे तिर्यंच में आ गए। संगनी पंचेंद्रिय को अलग कर दिया, वो मनुष्य वगैरह सब संगनी पंचेंद्रिय। एक पत्ता है मान लो, वो तो एक इंद्रिय का जीव है, लेकिन है तिर्यंच की कैटेगरी में। कैटेगरी भगवान ने चार ही दी है, मनुष्य, देव, नारक और तिर्यंच। तो फिर कैटेगरी जब चार ही दी है, तो मनुष्य, नारकी और तिर्यंच हटा के जितने भी बचे, मनुष्य, नारकी और देव हटाकर जितने भी बचे सबको डाल दो तिर्यंच में, जितने भी बचते हैं। हरा हरा पत्ता है, ग्रीन पत्ता, बड़ा सुंदर सा पत्ता, खूब गर्मी पड़ रही है, तपता है, एसी नहीं है उसके पास, एसी नहीं चला सकता। दूसरों को छांव दे सकता है लेकिन खुद नहीं चला सकता एसी। सहन करता है, कर्म उसके खपते जाते हैं, सहन कर रहा है ना, कुछ प्रतिक्रिया करने जितनी भी क्षमता नहीं है उसके पास। मन बुद्धि कहाँ है, प्रतिक्रिया रिएक्ट भी नहीं कर पाता, बस सहन करता रहता है, सहन करता रहता है। वो सहन करता है ना, उसमें उसके कर्म खपते हैं। और कौन से कर्म खपते हैं? क्लिविश कर्म ही खपते हैं सबसे पहले। फिर ठंड आती है, बर्फ पड़ती है, मान लो बर्फ पड़ी, अब उसके पास है ब्लैंकेट, गरम गरम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाए, उसको सहन करना पड़ेगा। वो ये जो बरसात आती है, ठंड आती है, गर्मी आती है, इन सब ऋतुओं को बिना प्रतिक्रिया किए सहन करता है, इसमें सारे क्लिविश कर्म खत्म होते हैं। तो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्लिविश कर्म के कारण वो वहां बैठा है, तिर्यंच, एक इंद्रिय तिर्यंच, कोई दो इंद्रिय तिर्यंच। आजकल डेंगू के मच्छर दो इंद्रिय तिर्यंच, उनको कौन कौन देखते ही मारने का आदेश है, ऐसा है ना कुछ, शूट एट साइट, ऐसा सब चल रहा है। बोलो हम उस योनि तक पहुंचते कैसे हैं? इन कर्मों के कारण। कौन से? नीचे वाले, हाँ, क्लिविश कर्मों के कारण हम सीधा उन योनियों में पहुंचते हैं। और जब तुम्हारे इस जाति के कर्म खपते हैं, क्योंकि उसके कारण तुम पहुंचे हो, तो जितना जितना सहन करते करते विदाउट डूइंग एनी रिएक्शन, विदाउट एनी प्रतिक्रिया, तुम वो सहन करते करते वो मच्छर आगे बढ़ेगा, फाइनली जाके मनुष्य जीवन में आएगा। तो तुम मनुष्य हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारे जीवन में क्लिविश कर्म आए तो सहन करना, सहन करना शब्द मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे आनंद, ऐसी मस्ती, ऐसी परमात्मा भक्ति के अंदर रहो, और तुम्हें अपने पास ये जो अनमोल साधन है ना, इसका इतना महत्व, इतनी महिमा होनी चाहिए ना कि चल जा ना, कोई नहीं है, ये कर्म का उदय आया है ना, मेरे पास सत्संग है। वो जैसे बोलता था ना अमिताभ बच्चन, मेरे पास वहाँ है, ऐसा मेरे पास सत्संग है। तुम्हें कि सत्संग का भी अहोभाव आ जाए ना, तुम्हारे सद्गुरु के अपने जीवन में उपस्थिति का अहोभाव आ जाए ना, बात ही खत्म। तुम पाप के साथ भी झगड़ा नहीं करने की चेष्टा करोगे, आता है पाप, तू आ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा वरदान है सत्संग, सद्गुरु का समागम। कहते हैं बड़ी मजे की बात है,
पहले और दूसरे देवलोक के इंद्र जो होते हैं ना, उनके बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है, मतलब बात बात में बात बहुत बढ़ जाती है, इतना दोनों में बहस हो जाती है और इतना एक दूसरे में कलह कलह समझते हो, लड़ाई झगड़ा, कि कुछ नया वॉर करने पर भी तुल जाते हैं। शास्त्र में है ये बात, मैंने पढ़ी, इसीलिए कहती हूँ। तब तीसरे देवलोक के जो इंद्र होते हैं ना, पहले और दूसरे के लड़ रहे होते हैं, तीसरे देवलोक के इंद्र आकर इन दोनों को केवल एक ही वाक्य कहते हैं कि अरे तुम जिनेश्वर परमात्मा के उपासक यूं लड़ रहे हो, और वहीं के वहीं सारा द्वेष उनका खत्म हो जाता है, वहीं के वहीं। इतने दिनों से लड़ रहे होते हैं लेकिन वहीं के वहीं, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कोई भी अंदर क्रोध आता है, कलह आता है, कलेश आता है, अरे हम सत्संग करने वाले, अरे हम प्रभु को सुनने वाले, अरे हम SRM के लोग, अरे हम इस मार्ग पर, वीतराग मार्ग पर जाने वाले, हम ऐसा करेंगे, हमें शोभा देता है, और देखो तुम्हारा कैसे वह पाप का भाव चला जाता है। ये होना बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम में ये भाव नहीं है ना, इसी को लज्जा का परिणाम कहा जाता है। मैंने एक दो सत्संग पहले ही बताया था कि तुम्हारे पाप के विषय में कुछ बात चल रही थी, ये लज्जा होती है। पाप का भाव तुम्हारे बास्केट से निकल सकता है लेकिन उसकी अनुमोदना नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तो वितराग मार्ग पर चल पड़े हैं, हम तो परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े हैं। ये ऐसे निर्णय करते करते तुम्हें आगे पहुंचना है, और वहां अपने क्रोध को, अपने मान को, अपनी माया को, लोभ को, माया शब्द दोनों परंपरा अलग अलग ढंग से यूज करती हैं। जैन परंपरा माया को कषाय में डालती है, चालाकी, और हिंदू परंपरा माया को विराट, एक पूरा इल्यूजन जो क्रिएट किया। दोनों शब्दों के अर्थ दोनों परंपराओं में, संप्रदायों में बिल्कुल अलग है, कंफ्यूज मत होना, दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या कहते हैं? काल क्रम के अनुसार कदाचित मनुष्य गति को रोकने वाले कौन से कर्म है? क्लिविश कर्म। क्लिविश कर्म जो मनुष्य गति को रोकने वाले, उनके कर्मों का नाश हो जाता है, शुद्धि को पाकर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। लेकिन तुम मनुष्यत्व तक आ गए उससे कोई गारंटी नहीं कि तुम यहाँ से सिद्धत्व की तरफ ही जाओगे। अब पुरुषार्थ तुम्हारा चाहिए, और अब कौन सा पुरुषार्थ आ रहा है? सेकंड नंबर का, सत धर्म में का श्रवण, वो पुरुषार्थ। तुम्हें श्रवण तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन सारे श्रवण कैसे हैं? संसार के प्रति ले जाने वाले। लेकिन जैसे ही सत धर्म का श्रवण, क्योंकि मनुष्यत्व से अब सिद्धत्व तक पहुंचने की बात आएगी, तो उसके लिए सेतु क्या है? सत धर्म का श्रवण, वो आएगा तुम्हारा अगले श्लोक में। आज बस इतने पे खत्म करती हूँ, क्योंकि सत धर्म का श्रवण भी, ध्यान से सुनना इस बात को, अंतिम बात, धर्म का श्रवण भी इतने इतने वर्षों से करने के बावजूद भी जीव के अंदर गुण विकास नहीं होता या कम होता है। किसी को एक साल के अंदर इतना हो जाएगा खूब सारा, और कोई 10 सालों से सुन रहा है पर फिर भी इतना सा गुण विकास, ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखा है तुमने? उत्तराध्ययन सूत्र का ही एक अध्ययन है 11th नंबर का, जिसका नाम है बहुश्रुत पूजा, जिसका नाम है बहुश्रुत पूजा। श्रुत यानी सुनना, जिसने बहुत सुना है, बहुत सुनकर जिसके अंदर गुण विकास हो जाता है, बहुत सुनने की जरूरत है, बहु डाला है इसलिए, थोड़ा नहीं, एक दो सत्संग से काम हो जाएगा, नहीं, बहुत सुनने के बाद, श्रवण चिंतन मनन वो सब करने के बाद जिसमें गुण विकास होता है ना, उसको बहुश्रुत कहा जाता है, और वो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। इसलिए उसका चैप्टर का नाम ही है बहुश्रुत पूजा, देखना तुम लोग। उस बहुश्रुत पूजा को मैं अभी पढ़ रही थी, उसके अंदर लिखा था कि जीव इतना इतना सुनने के बावजूद भी क्यों उसमें गुण विकास नहीं होता, वो बहुश्रुत क्यों नहीं बनता, वो हमेशा अबहुश्रुत बना रहता है, बहुश्रुत नहीं बनता, क्या कारण है? तो 14 कारण बताए हैं 11th चैप्टर में, वो 14 कारण मैं लिख के लाई हूँ, तैयार थे, लेकिन आज फिर ये क्रिया वगैरह करनी है तो धीरे धीरे चलते हैं। 14 कारण है जिसके कारण जीव इतना श्रवण करने के बावजूद भी, फ्राइडे संडे और 5-5 सालों से सुन रहा है, फिर भी गुण विकास नहीं होता, मतलब प्रसंग आने पर जैसा का तैसा, और प्रसंग जाने के बाद भी क्लिविश कर्म इसी के अंदर लिपटा हुआ है। क्या कारण है? 14 कारण 11th चैप्टर के अंदर बहुश्रुत पूजा के अंदर बताए हैं, और अद्भुत कारण है। तुम सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो कितनी सामान्य बात है, लेकिन हम भी करते हैं ऐसा।
क्रोध करते हैं, क्रोध के ऊपर तीन कारण तो क्रोध के ऊपर है, तुम्हें किसी को क्रोध तो नहीं आता? सभी को आता है। और इतना अच्छा लिखा है, वारंवार क्रोध करता है, मतलब उसको इतने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। क्रोध करेगा, अभी क्षमा अपना रही ना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये बातें। क्रोध करेगा, पहले तो उसका क्रोध छूटता नहीं, लंबे लंबे समय तक चलता रहता है। क्रोध करने की क्षमता ना तुम्हारी बहुत थोड़ी है वैसे, लेकिन क्रोध का कारण जो था ना उसका विचार करने की क्षमता तुम्हारी बहुत ज़्यादा है कि नहीं? क्रोध जिसके कारण आया ना, क्रोध की एक कैपेसिटी है, तुम्हारी बॉडी में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम बहुत क्रोध कर सको। पहले भी मैं कहती हूँ, एक मर्यादा है, तुम इतना ही चिल्ला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं चिल्ला पाओगे। क्रोध तो थोड़ी देर में, खाना खाने का टाइम आएगा तो क्रोध उतर जाएगा, या फिर आइसक्रीम खाने चले जाओ तो क्रोध थोड़ी देर उतर जाएगा, लेकिन खाली बैठे हो ना क्रोध के कारण का विचार करते रहोगे, ये भी क्या है? क्रोध, ये भी क्रोध है। और ऐसे लोग उल्टा पते क्या कहते हैं, मेरे को अभी किसी की मीटिंग थी मेरे से, उसने मुझे बोला एक व्यक्ति पर क्रोध है, बेन प्रभु इस बार क्षमा अपना में मैं क्षमा आप जैसे बताएंगे वैसे मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन बस एक बार वो माफ़ी मांग ले। मैंने कहा तुम क्रोध को हटाना चाहते हो लेकिन मान कषाय को रखना चाहते हो, एक बार माफ़ी मांग ले मतलब छोटा अपने आप को कबूल कर ले, तुम क्रोध कषाय को हटाना चाहते हो लेकिन मान कषाय को रखना चाहते हो, ये नहीं है वीतरागी पुरुषार्थ। वीतरागी पुरुषार्थ में ये भी, अब तुम्हें माफ़ी करना है तो इसमें आशा क्या रखनी? तुम्हें माफ़ी करना है किसी को तो आशा क्या रखनी, वो एक बार अपनी भूल कबूल कर ले। अभी मुझे कह रहे थे थोड़े टाइम पहले, मुझे जब ये स्पॉन्सरशिप तुम लोगों ने शुरू की ना जुलाई में, तभी कोई आया था, बेन प्रभु वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा है सारा, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप भी जो भी करी के थे, हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे मिशन बढ़ता है खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा एक्नॉलेजमेंट आप दें ना। उन्होंने बहुत अच्छा एडवाइस किया मुझे, थोड़ा आप एक्नॉलेजमेंट करें, यानी दो लोगों का नाम बोल दिया कि इस सत्संग का इन्होंने स्पॉन्सरशिप का लाभ लिया है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ आपके मिशन में ना ज़्यादा आएगा। अच्छे हैं जरूर वो, आप लोगों के समाज वाले थे कोई तो वैसा कहते हैं कि ये हमारे समाज में ऐसा होता है प्रभु, हम उनको मतलब हार भी पहनाते हैं, हम उनको नारियल भी देते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना करें ना कि खाली एक नाम अनाउंस कर देना, तो मैं आपको बताता हूँ बेन प्रभु कि आपके मिशन में ना बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा बैठो, तुमने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया तो मैं भी तो दूँ, खड़े खड़े बात करते हैं, तो फिर तो मैंने बिठाई लिया। मैंने कहा ऐसा है ना, तुम्हारा लोभ कषाय छूटे, यानी पैसों पर से तुम आसक्ति छोड़ रहे हो तभी तो मिशन में दे रहे हो लाख लाख रुपया ऐसे, तुम्हारा लोभ कषाय छूटे लेकिन मान कषाय को पोषण मिले, ऐसे बेवकूफ मैं नहीं हूं, मैं यहां वीतराग पुरुषार्थ की तरफ आई हूं। वीतराग पुरुषार्थ को तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करने आई हूं कि वीतरागी पुरुषार्थ क्या होता है, जहां चारों कषाय का नाश होता है, क्रोध मान माया और लोभ। तुम कहते हो कि हाँ लोभ तो कम हो, हमने लाख का दान दिया लेकिन मान को थोड़ा पोषण दो, तो इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया। मैं अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में धोखेबाज नहीं कहलाना चाहती, इसलिए यहाँ कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? तुम्हें भी कोई पूछे तो तुम्हें जवाब पता होना चाहिए, क्यों नहीं होती? वो कहेंगे बड़े घमंडी लोग हैं, पैसे भी ले लेते हैं और एक्नॉलेज भी नहीं करते। अब देखो भाई, जैसे जैसे तुम नया नया कुछ खोलोगे तो कुछ भी तुम्हारे ऊपर भी कोई लांछन आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। बेन प्रभु SRM के साथ वीतरागी पुरुषार्थ की बात करते हैं, चारों कषाय को हटाने की, इसलिए तुम्हारा लोभ कम हो लेकिन मान का पोषण हो, ऐसा इस मिशन के अंदर कभी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।